शिवपुरी जिले के करेरा में दबंगों ने गरीब की जमीन पर कब्जा कर रोजाना गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। आज पीड़ित शिवपुरी कलेक्टर के पास पहुंचे, लेकिन प्रशासन अभी भी दबंगों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा है। मामला कुछ यूं है कि पुलिस चौकी अमोल पठा के अंतर्गत ग्राम जयनगर में दबंगों ने बंसी लोधी की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कई सालों से कर रखा है, जिसकी शिकायत पीड़ित कलेक्टर SP से बार बार कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। महेंद्र लोधी, आज कलेक्ट्रेट पे आए हो आप, क्या समस्या लेकर आए? ये अपना आवेदन देने आए थे, मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। किसने कर लिया था? जगत सिंह लोधी, मलखान लोधी, गया सिंह लोधी, सन्नाम लोधी। नजदीक थाने में आपने कंप्लेन की? थाने में कई बार जा चुके हैं, थाने वाले बोलते हैं राजस्व विभाग का काम है, थाने वाले बोलते हैं राजस्व विभाग का काम है, उसमें हम ऐसे नहीं जाएंगे। आप जी बोला और राजस्व विभाग वालों के पास गए तो बोले लड़ाई झगड़ा में हम थोड़ी जाएंगे, वो पुलिस का काम है। झगड़ा पहले इसमें एक बार झगड़ा हुआ था, SDM साहब के कहने पर हम खेत में गए थे, तो खेत में गए तो उन लोगों ने चारों तरफ से घेर के मेरे पिताजी पर हमला किया और सर में कुल्हाड़ी लगी थी, तो उसको कोई धारा नहीं हुई है, छोटी मोटी धारा लगा के रफा दफा कर दिया। फिर अभी आवेदन नहीं कहा है? अभी आवेदन देने आए थे कलेक्टर साहब के पास। इससे पहले भी आवेदन दिए थे यहाँ पर? तीन चार बार दे चुके हैं, जन सुनवाई में दे चुके हैं। आश्वासन दिया आपको? आश्वासन क्या, वहाँ बोलते हैं हो जाएगा, कब्जा हट जाएगा, और तहसील में जाते हैं तो SDM और तहसीलदार साहब कोई सुनवाई नहीं करते। कोई सुनवाई नहीं जी? नहीं, मेरा कब्जा हटाना चाहते हैं ज़मीन पे, तो मेरा कब्जा हट जाए तो वो कलेक्टर साहब के पास अभी आए थे तो उन्होंने अभी आवेदन नहीं लिया, बोले कि मैं ऑफिस में बैठूंगा जब लूँगा। SP साहब को ज्ञापन दिया है कभी? SP साहब को दे चुके हैं चार पाँच बार, तो वो बोलते हैं कि मैं ये तो राजस्व विभाग का काम है, ये पुलिस का काम नहीं है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।